वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि आई स्पीसीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो द्वारा जो एक मिशन छोड़ा जा रहा है उसके बारे में, और जो व्योम मित्र है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया व्योम मित्र हाफ ह्यूमनाइड, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी को पता है ये साइंस एंड टेक में आता है आपके, और आपको पता होगा कि आपका साइंस एंड टेक पेपर थर्ड में आता है, तो ये मेंस और प्री दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस का जो चलन है आप काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये व्योम मित्र इसरो ने हाफ ह्यूमनाइड, इसरो का पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, जिनको पता है तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मानव युक्त गगन मिशन हेतु एक अर्धमानवीय, मतलब हाफ ह्यूमनाइड, हाफ ह्यूमनाइड का मतलब होता है अर्धमानवीय रोबोट लॉन्च किया है, जिसका नाम इन्होंने दिया है व्योम मित्र। 22 जनवरी को बेंगलुरु में इसरो ने इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स IAA और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के पहले सम्मेलन में इसरो द्वारा इसको निर्मित किया गया। एक महिला है और जिसने अपना परिचय दिया है। अब इसको मैं आपको बताती हूँ ये हाफ ह्यूमनाइड क्यों है और इसरो ने इसको क्यों लॉन्च किया है और इसरो इसमें रोबोट क्यों भेज रहा है। देखिए इसरो के पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वॉक मून वॉक होती है, मून वॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आपका स्पेस सेटल है या फिर कोई भी सैटेलाइट है वो खराब हो गया, तो आपने देखा होगा मूवीज में कि कुछ उसमें से एरोनॉट्स जो बाहर निकल कर उनको ठीक करते हैं। तो हमारे पास इंडिया में इतने वेल्ड साइंटिस्ट नहीं है जो अच्छे से मून वॉक कर सके, तो इस वजह से उन्होंने इसरो ने, क्योंकि उनका पहला है और वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि एक मानव को भेजने से अच्छा है एक रोबोट को भेजा जाए, तो इसीलिए इस रोबोट को लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके विषय के बारे में, तो इसका विषय है मानव युक्त अंतरिक्ष यान एवं खोज, वर्तमान चुनौती तथा भविष्य के घटनाक्रम। देखिए UPSC का कोई भी भरोसा नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो आप सबको अच्छे से देखिएगा। ह्यूमन स्पेस लाइट एंड एक्सप्लोरेशन प्रेजेंट चैलेंज एंड फ्यूचर ट्रेंड, इसका ये एक थीम थी। अब हम बात कर लेते कि ये है क्या, तो देखिए व्योम मित्र क्या है, 2021 में अपने बहुप्रत्याशित कार्यक्रम गगनयान या गगन मिशन से पहले इसरो ने प्रायोगिक रूप से दो मानव रहित गगनयान अंतरिक्ष में भेजेगा। इसरो इन दो मानव रहित कार्यक्रमों में चालक दल के सदस्यों के स्थान पर अर्ध मानव ह्यूमनाइड, जैसे कि मैं आपको पहले बताई हाफ ह्यूमनाइड व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा। यह एक महिला रोबोट है, अंतरिक्ष में इंसानों की तरह काम करेगी, जीवन प्रणाली की संरचना पर यह नजर रखेगी। तो ये है, अब इसमें क्या क्या है, इसकी क्या खासियत है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए व्योम मित्र, व्योम मित्र का सबसे पहले तो हम अर्थ समझ लेते हैं। तो व्योम मित्र संस्कृत के दो शब्दों व्योम और मित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अंतरिक्ष एवं मित्र, ठीक है। तो इसरो द्वारा विकसित अर्धमानव ह्यूमनाइड हाफ ह्यूमनाइड ये प्रोटोटाइप है, ठीक है। इसे हाफ ह्यूमनाइड इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें पैर नहीं है, ये सिर्फ आगे फॉरवर्ड चल सकता है, आगे फॉरवर्ड हो सकता है और अगल बगल झुक सकता है, ये सिर्फ इतना ही कर सकता है क्योंकि इसमें पैर नहीं है। और व्योम मित्र रोबोट को मानवीय गतिविधियों समझने और उनकी प्रतिक्रिया देने के लिए सेंसर, कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन, एक्चुएटर्स जैसी इसमें हाईटेक तकनीकी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। व्योम मित्र के कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन रोबोट में लगे सेंसर को नियंत्रित करते हैं। एक्चुएट एक तरीके की मोटर होती है जो रोबोट को झुकने और उसके उंगलियों को चलाने में इस तरीके से मदद करती है। सेंसर, कैमरा, माइक्रोफोन इस रोबोट में मानवीय गतिविधियों के आसपास अपने वातावरण को समझने में मदद करेंगे और यहां से ये ऑपरेट होता रहेगा, वहां से ये सिग्नल्स भेजेगा। व्योम मित्र इन यंत्रों से प्राप्त सूचनाओं का आकलन अध्ययन करके तत्पश्चात इन सूचनाओं पर अपने स्पीकर एचयूएसएस के माध्यम से बहुत ही कम समय में सटीक प्रतिक्रियाएं देने में सक्षम है।
ठीक है। ह्यूमनॉइड क्या है, अब ह्यूमनॉइड से भी हम बात कर लेते हैं। ह्यूमनॉइड एग्जैक्टली क्या है, ह्यूमनॉइड मानव की तरह दिखने वाला या मनुष्य के जैसा एक रोबोट होता है जिसमें इंसान की तरह चलने फिरने के साथ मानवीय हाव भाव को समझने की क्षमता होती है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि आपका जो पेपर थर्ड है उसमें साइंस एंड टेक, उसमें एक टॉपिक आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI, तो आपने सुना होगा AI, ये उसी की पार्ट है। तो ये अगर वो टॉपिक उन्होंने UPSC ने आपको सिलेबस में दिया है तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये AI का बहुत ही अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। सामान्यतः एक ह्यूमनॉइड में मानव की तरह सिर, धड़, हाथ, पैर होते हैं। यह इंसानों की तरह चलने फिरने के साथ ही अन्य कई मानवीय गतिविधियों को करने में सफलतापूर्वक दोहरा सकता है। ये रोबोट निर्माता द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, परंतु इसके पास स्वयं निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं होती है। ये रोबोट कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एल्गोरिदम डिजाइन से लैस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एल्गोरिदम डिजाइन से लैस होते हैं। ह्यूमनॉइड बनाने के लिए मानव शरीर की संरचना और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये ह्यूमनॉइड हार्डवेयर, बायोमैकेनिक्स और सॉफ्टवेयर के तालमेल से काम करते हैं। किससे? हार्डवेयर, बायोमैकेनिक्स और सॉफ्टवेयर के तालमेल से ये काम करते हैं। अंतरिक्ष अभियान में व्योममित्र की उपयोगिता देखी जाए तो इसकी व्योममित्र की क्या उपयोगिता रहेगी अंतरिक्ष अभियान में, तो ये भी हम देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 2021 दिसंबर गगनयान से पहले 2 प्रायोगिक प्रशिक्षण किए जाएंगे, तो इनके माध्यम से मुख्य जो है गतिविधियां हैं इन पर हम नजर रखेंगे। जैसा कि अंतरिक्ष अभियान के दौरान लगभग सभी कार्य क्रू मॉडल्स के अंदर ही होंगे। जो क्रू मॉडल्स क्या है, जो ये गगनयान भेजेगा उसके अंदर ही सारे कार्य होंगे। अधिकतर गतिविधियां में पैरों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए रोबोट को अर्ध मानव या ह्यूमनॉइड की तरह ही बनाया गया है। क्योंकि आपको पता है कि आपने कभी देखा होगा इसमें नासा में जो ये प्रयोग होते रहते हैं, कैसे अंतरिक्ष में जाना है, ये तरीके आपने मूवी देखी होगी, तो वो लोग उछलते रहते हैं, वो लोगों उनको बैठने या चलने का कोई वहां पर काम नहीं होता है। ओके, तो व्योममित्र अभियान के दौरान अंतरिक्ष यान के अंदर निम्नलिखित गतियों को हम बता सकते हैं सक्षम करेगा। व्योममित्र अपने अभियान के दौरान अंतरिक्ष के वातावरण और गगनयान के यंत्रों की निगरानी करेगी तथा इस संबंधित जितनी भी सटीक जानकारी है वो सब साझा करेगी। व्योममित्र लोगों से बात कर सकती है, उन्हें पहचान भी सकती है। अर्थात अभियान के दौरान ये अंतरिक्ष यात्रियों को पहचानने, उनसे बात करने के साथ ही उनके प्रश्नों या उत्तर उनके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकती है। यह महिला रोबोट अभियान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की तरह से उनके कामकाज जैसे पैनल ऑपरेशन, स्विच ऑपरेशन, क्रू मॉडल पैरामीटर्स, चेतावनी देने, पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन रक्षण प्रणाली जिसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल, लाइफ एंड सपोर्ट सिस्टम, तो इसके बारे में ECLSS इससे संबंधित गतिविधियों की नकल कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह रोबोट वायुमंडलीय दबाव, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ऑक्सीजन की जांच करना, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर बदलने से लेकर विषम परिस्थितियों में आपातकालीन प्रतिक्रियाओं का पालन कर अभियान को सुरक्षित करने में भी सक्षम होती है। यह रोबोट अंतरिक्ष में विकिरण के उच्च स्तर, अधिक तापमान वाले असमान वातावरण में भी कार्य करने, बिना थके लगातार अनुसंधान करने में भी सक्षम है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ गगनयान के बारे में। आखिर ये गगनयान ये क्या है और गगनयान में व्योम मित्र की क्या उपयोगिता है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है हमारे लिए। गगनयान अभियान के लिए महिला रोबोट जो व्योममित्र है उसकी बहुत ही बड़ी भूमिका है। जैसे कि आपका सभी को पता है हम जो इंडियंस है काफी जुगाड़ू किस्म के होते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा मंगल मिशन है हमने कितने सस्ते में उसको निपटा दिया। आप पूरे मतलब वैश्विक पटल पर जो इसरो ने हमारे भारत की, हमारे देश की एक छवि प्रस्तुत की है। आज हमारे साइंस एंड टेक के मामलों में, स्पेस के मामलों में काफी सम्मान से भारत का नाम लिया जाता है और काफी एक अच्छी छवि बन गई। हम फोर्थ ऐसी कंट्री बन गए हैं जो मंगल मिशन पर जो अपना जिसने यान भेजा है या फिर अपना एक मानव युक्त यान भेजने की तैयारी कर रहा है। पूरे विश्व में हम चौथे नंबर पे हैं, US, रसिया और चाइना के बाद इंडिया हम ही आते हैं। तो एक हमारी एक अच्छी छवि बनती जा रही है। तो इस तरीके के अभियान, उनके बारे में जानना हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी हो ही जाता है और एक हमारे लिए ये भी जरूरी है, तो हमें जानना बहुत जरूरी है इसके बारे में। तो देखिए, गगनयान अभियान के लिए महिला रोबोट,
जो व्योममित्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके निर्देश का अनुसार गगनयान अभियान का उद्देश्य अंतरिक्ष में भारत का पहला मानवयान भेजना ही नहीं बल्कि निरंतर मानव गतिविधियों के लिए एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना भी है। गगनयान अभियान के लिए अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है। इसमें निचली कक्षा में 10 टन भार क्षमता वाला संचालनात्मक प्रक्षेपण जिसे हम लॉन्चर भी कहते हैं, यह योजना के अंतर्गत इसरो द्वारा मानव जीवन विज्ञान और जीवन रक्षा प्रणाली जैसी तकनीकों का भी विकास किया जा रहा है। इसरो ने गगनयान अभियान के लिए कई राष्ट्रीय प्रयोगशाला जैसे DRDO, CSIR आदि विभिन्न अकादमियों संस्था और भारतीय वायुसेना को पक्षधर बनाया है। वायुसेना के टेस्ट पायलटों में से अंतरिक्ष यात्रियों का चयन भी कर लिया गया है। वे रूस में इस महीने के आखिर में प्रशिक्षण शुरू करेंगे। ठीक है, तो कहाँ करेंगे? रूस में करेंगे। गगनयान अभियान पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभियान के निर्धारित लक्ष्यों के तहत भारत अपने कम से कम 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 5 से 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा, जहां वे अलग अलग माइक्रोग्रेविटी टेस्ट को अंजाम देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा गगनयान के बारे में बात कर लेते हैं। गगनयान क्या है? तो गगनयान के बारे में, जैसे गगनयान का प्रक्षेपण इसरो ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो इसका बाहुबली है, बाहुबली कौन सा है? GSLV Mark III तो द्वारा किया था। यह अंतरिक्षयान 3 यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। इस योजना के तहत एक नियोजित अंतरिक्षयान को अपग्रेड किए गए संस्करण की डॉकिंग क्षमता से लेस किया जाएगा। अपने पहले मानवीय तो अभियान में गगनयान 3.7 टन के कैप्सूल में 3 लोगों के दल को ले जाने की क्षमता होगी। इस अभियान में यान में 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। केवल पहले 7 दिनों के लिए करेगा। अंतरिक्ष कैप्सूल में जीवन नियंत्रण, पर्यावरण नियंत्रण जैसी प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा। बेंगलुरु स्थित ट्रेनिंग कमांड सेंटर में गगनयान की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इसके अनुसार गगनयान रूस, चीन और नासा के ओरियन यान अपोलो कैप्सूल के छोटा परंतु अमेरिका के जेमिनी यान से थोड़ा सा बड़ा होगा। इस अभियान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी तकनीकों का विकास होगा। भारत में अंतरिक्ष यात्रियों को व्योम नॉट्स नाम देने की योजना बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? व्योम नॉट्स। अंतरिक्ष जैसे कि एस्ट्रोनॉट होता है, इसी तरीके से भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बोलेगा व्योम नॉट्स। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की एक खास बात है कि पूरे अभियान की कमान एक महिला के हाथ में होगी। इसरो इस अभियान का नेतृत्व BR ललिताम्बिका करेगी। आप ये देखिए कितना, मतलब ये एक महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद करिएगा क्योंकि ये प्री मेंस कहीं पर भी डाल सकते हैं। और अगर आप कहीं पर आप महिला सशक्तिकरण पर कोई ऐसे राइटिंग करते हैं तो इस पॉइंट को लिखेंगे तो सच में आपको मार्क्स काफी बढ़ जाएंगे। तो किसके हाथ में है पूरी कमान? BR ललिताम्बिका करेगी। भारत के पहले मानवीय अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए इसरो के वैज्ञानिक काफी उत्साहित है। इसरो के K Sivan के अनुसार, जो निदेशक हैं K Sivan के अनुसार, गगनयान मिशन चुनौतीपूर्ण है लेकिन इसरो इस लक्ष्य को भी हासिल करने में क्षमता रखेगा। गगनयान से जुड़ी शुरुआती अध्ययन तकनीकी के विकास का काम 2016 में ही ऑर्बिटल विकल्प के नाम से शुरू हो गया था और इसके डिजाइन को मार्च 2008 में पूरा कर भारत सरकार के पास फंडिंग के लिए भी पेश किया जा रहा है। ओके, तो ये इससे रिलेटेड सारी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं अन्य देशों के ह्यूमनॉइड में क्या क्या प्रयोग चल रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, अगस्त 2019 में रूस ने एक मानव रहित रॉकेट के माध्यम से रोबोट फेडोर को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा था। फेडोर ने रूसी अंतरिक्ष यात्रियों की मदद की थी। यह रोबोट की लंबाई 5 फीट 11 इंच और वजन 160 किलोग्राम था। 2018 में साइमन नामक एक रोबोट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। यह रोबोट अमेरिकी जो कंपनी है एयरबस द्वारा बनाया गया था। इससे पहले अमेरिका के जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा ने रोबोनॉट 2 को अंतरिक्ष में भेजा था। जापान ने किरोबो नामक एक छोटे रोबोट को अंतरिक्ष में भेजकर अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा था। 13 इंच के इस रोबोट को अंतरिक्ष यात्री कोची बकाटा के सहयोगी के रूप में भेजा गया था। तो अब इसका हम थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेंगे। निष्कर्ष क्या है? तो इसरो ने
1969 में अपनी स्थापना के बाद से ही अपने हर प्रयास के साथ सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और रोबोटिक्स में भी पिछले कुछ वर्षों में कई सफल परिणाम दिए हैं। व्योममित्र अंतरिक्ष में मनुष्यों की तरह परिस्थिति को समझने और कार्य करने की क्षमता मानवीय मिशन के पहले प्रयोग करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मानव मिशन के दौरान यह चालक दल के सदस्यों के लिए काफी एक साहसी रूप में मददगार साबित होगा। इस तकनीकी के सफल प्रयोग से न सिर्फ भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में शीर्ष देशों में सूची में शामिल हो जाएगा, बल्कि इस उपलब्धि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में भारत को एक मजबूत बढ़त प्रदान करेगी। अब हम देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मिशनों में ह्यूमनॉइड के प्रयोग का लाभ एवं प्रस्तुत चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो ये पूरा हो गया हमारा ह्यूमनॉइड, हाफ ह्यूमनॉइड और व्योम मित्र के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।